फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो बीएड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैंने अपने चैनल पर न्यू पोस्ट स्टार्ट किया हुआ है। अगर इग्नू की बात करूँ तो सब्जेक्ट कोड है BES 127, असेसमेंट फॉर लर्निंग इसका नाम है, और यूनिट 1 एंड यूनिट 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक जिसमें आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएगी। यूनिट 3 की अगर बात करूँ तो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आपका या तो आ सकता है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन क्या है और उनके बीच में क्या डिफरेंस है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है जो दूसरा इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है यहाँ से, नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन कौन सा है और जो क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन है वो क्या है। ये इनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं या फिर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे जल्दी से, क्योंकि कल हमने डिस्कस कर लिया था फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हो, तो वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी ज़रूरतमंद हैं उन लोगों की हेल्प कर सकूँ, तो इस उद्देश्य को पूरा ज़रूर कीजिएगा। आई विल बी थैंकफुल टू यू। आइए करते हैं क्लास स्टार्ट, पढ़ते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। सो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। अगर बात करें नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन की, तो देखिए जब भी हमें ना किसी की पोजीशन पता करनी होती है, कोई एक ग्रुप है पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का, कोई क्लास है और हमें पता करना है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है उसकी क्या पोजीशन है, क्या रैंक है, तो उसके लिए जो हम इवैल्यूएशन करते हैं, जिसकी मदद कर लेते हैं, वो होता है नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। अब जब हम इसके बारे में और अच्छे विस्तार से पढ़ेंगे तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और साथ ही में आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट करके आ सको। देखिए स्क्रीन पर देख सकते हो कि व्हेन वी मेजर वंस रिलेटिव पोजीशन इन अ वेल डिफाइंड नॉन ग्रुप, वी यूजुअली यूज द नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो जब भी हमें किसी की भी रिलेटिव पोजीशन निकालनी होती है एक पर्टिकुलर ग्रुप में, जिसको जिस ग्रुप का भी वो पर्टिकुलर पर्सन हिस्सा है, तो उसके लिए हमें नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट का यूज़ करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में हर क्वेश्चन के साथ पूछा जाता है इस चीज़ को आप डिफाइन करो विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल जब भी लिखो ना तो ब्लैक पेन से लिख देना फॉर एग्जाम्पल, ताकि ये चीज़ भी हो जो इन्विजिलेटर है, जो भी आपके इन्विजिलेटर नहीं, जो आपके क्वेश्चन पेपर को आंसर शीट को सॉरी चेक करेगा, तो उसको भी पता चले कि बच्चे ने बहुत अच्छे से आंसर लिया लिखा हुआ है, हाईलाइट कर देना। तो यहाँ पर दिया हुआ है सुधीर का एग्जाम्पल, बताया गया है कि 10th बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि 2017 में हुए थे, उसमें हमें जो सुधीर की रैंक है, पोजीशन है, उसका पता करना है। सुधीर जो है वेस्ट बंगाल के स्टेट से बिलोंग करता है, और ये कैसे पता किया जा सकता है, इट कैन बी डन थ्रू द नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। यहाँ पर बताया गया है कि जब हम सुधीर की पोजीशन के बारे में पता करेंगे तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या करते हैं, अब जब हमें किसी की परफॉर्मेंस के बारे में पता करना होता है, किसी की रैंक निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, एक पर्सन की आप लोग क्लास में ही सोच लीजिए, जब हम क्लासरूम में रिजल्ट बनाते हैं, रैंक करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक पर्सन की परफॉर्मेंस को दूसरे ग्रुप में जितने भी बच्चों की परफॉर्मेंस है उसके साथ मैच करते हैं, और उसके बाद जिसके भी हायर पोजीशन होती है उसको फर्स्ट, जो सबसे टॉप पर होता है, जो सबसे ज़्यादा अंक लिए होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है वो टॉप पर होता है, और जिसके सबसे कम होते हैं वो लास्ट हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं एक दूसरे के मार्क्स को सबको कंपेयर करते हुए चलते हैं, और इसी बेसिस पर रैंकिंग होती है। अब यहाँ कहा है कि हम क्या करेंगे, सुधीर की परफॉर्मेंस को अदर परफॉर्मेंस जितने भी ग्रुप में बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के साथ चेक करेंगे। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है जिससे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज़ एक स्टूडेंट ने इंग्लिश में 70 मार्क्स सिक्योर करे, एक स्टूडेंट ने 70 मार्क्स लिए हैं इंग्लिश में। द मार्क 70 इज़ एन इंडिविजुअल स्कोर विच प्रोवाइड्स वेरी लिमिटेड इंटरप्रिटेशन। अब अगर बात करें 70 की, तो ये तो एक व्यक्तिगत स्कोर हो गया जिसमें सिर्फ हमें एक ही बहुत कम डेटा हमें मिल रहा है, हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि उसके 70 मार्क्स है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि वो
कौन से रैंक पर रहा, हमें ये आप 70 मार्क्स हमें ये पता चल गया इंग्लिश में, लेकिन हमें ये नहीं पता हो सकता है कि इंग्लिश का पेपर इतना ज़्यादा टफ हो कि 70 से ज़्यादा किसी का स्कोर ही ना हो और यही बच्चा हो जिसके हाईएस्ट मार्क्स हो, ऐसे भी हो सकता है तो ये तो बिल्कुल टॉपर हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 90 अबव रहे हो, 100 में से ही हो, या फिर जो जितने मार्क्स का पेपर है उसके ऊपर भी, तो बहुत सारे फैक्टर्स है। तो यही चीज़ बताई गई है कि इससे हम बहुत कम इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, जो जानकारी हमें वो काफ़ी कम हमें इस कोर्स से मिल रही है कि सिर्फ 70 मार्क का पता है हमें, जो कि इंग्लिश में सिक्योर किए हैं एक स्टूडेंट ने। अ सिंगल स्कोर नेवर प्रोवाइड अस द इंटरप्रिटेशन लाइक हाउ गुड और हाउ पुअर द स्टूडेंट इज इन इंग्लिश। तो यही चीज़ मैंने कही कि अगर एक सिंगल स्कोर को लेकर के चलोगे तो ना ही हम ये पता कर सकते हैं उसकी क्या रैंक है, ना ही हम कंपेयर कर सकते हैं, और ये एक तरीके से हमें बहुत कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसके बेसिस पर ये पता करना कि वो स्टूडेंट जो है वो कितना अच्छा है इंग्लिश में या कितना बुरा है, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, ये पता करना एक तरीके से नामुमकिन है। द इंडिविजुअल स्कोर गिव्स सर्टेन मीनिंग व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड विद द अदर स्कोर इन द ग्रुप। जब तक हम किसी जो भी क्लासरूम में उसके और स्टूडेंट रहे होंगे या फिर जिन्होंने भी टेस्ट दिया होगा, ठीक है, जिन्होंने भी टेस्ट दिया होगा, क्लासरूम भी नहीं कह रही मैं, कहीं पर भी है, जिन बच्चों ने भी वो पर्टिकुलर टेस्ट दिया है, एग्जामिनेशन दिया है, जैसे आप लोग देते हो टीचर का एग्ज़ाम देते हो, तो वो एक मैं ये नहीं कहूँगी कि क्लासरूम के अंदर ही होता है, क्लास के स्टूडेंट से होता है, आप लोग बड़े होकर भी देते हो, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स दे रहे हो, जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे तब तक आप कैसे पता कर पाओगे, है ना। तो वही चीज़ कही गई है यहाँ पर भी कि जब हम दूसरे ग्रुप, मतलब ग्रुप में जो और स्कोर्स है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे, तभी हम एक उस इंडिविजुअल स्कोर को सर्टेन कुछ मीनिंग दे सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, या फिर अबव एवरेज है, या सबसे ज़्यादा टॉपर है, जो भी है, तो वो हम ऐसे ही पता कर सकते हैं। कहा है कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होता है एक तरीके का ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। द प्रोसीजर फॉलोड फॉर डेवलपिंग ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज़ ऑल्सो फॉलोड फॉर डेवलपिंग नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो एक तरीके से कह सकते हो कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है, क्योंकि जो प्रोसेस हमें स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को डेवलप करने में, उसको बनाने में लगता है, वही सेम प्रोसेस हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को भी तैयार करने में वही प्रोसेस यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू नायक एंड रथ द वेरियस प्रोसीजर्स अडॉप्टेड फॉर नॉर्म रेफरेंस इवेल्यूएशन आर एज फॉलोज। तो कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को, नॉर्म रेफरेंस इवेल्यूएशन के लिए जो फॉलो होते हैं उनके बारे में देखते हैं वन बाय वन। पहली बात कही है कि व्हेन मार्क्स आर इवेल्यूएटेड विद रेफरेंस टू एवरेज इट इज़ नॉर्म रेफरेंस इवेल्यूएशन बिकॉज द एवरेज इज बेस्ड अपॉन द ऑब्टेंड स्कोर्स। इफ इट इज टू बी यूज एज मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी विच शोज द स्किटर ऑफ द स्कोर शुड बी टेकन इन टू अकाउंट। तो कही गई है कि जब हम मार्क्स को जो इवेल्युएट करते हैं एवरेज को ध्यान में रख करके, कि एवरेज जो स्कोर आ रहा है वो तो इतना आ रहा है लेकिन उसके ऊपर कितने कम बच्चे हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो पॉपुलेशन होती है या फिर ज़्यादातर जो स्टूडेंट होती है ना, वो एक पर्टिकुलर रेंज में आप लोगों को लाए करते हुए देखने को मिलती है। और जब बात करूं मैं टॉपर की या जब मैं बात करूं बिलो एवरेज की, तो वो जो रेशियो होती है ना वो अपने आप घटती चली जाती है। जो आपके हाईएस्ट स्कोरर्स होते हैं वो भी आपको कम देखने को मिलते हैं, जो आपके लोएस्ट स्कोरर होते हैं बिलो एवरेज जिनकी परफॉर्मेंस होती है वो भी आपकी कम बच्चों की होती है एज़ कम्पेयर टू एवरेज। एक एवरेज पॉपुलेशन या एवरेज स्कोर जिन बच्चों का आया है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो मार्क्स इवेलुएट होते हैं विद रेफरेंस टू एवरेज होते हैं नॉर्म रेफरेंस इवेल्यूशन बिकॉज द एवरेज इज़ बेस्ड अपॉन द ऑब्टेंड स्कोर्स। क्योंकि जो एवरेज जो निकाली जाती है वो ऑब्टेंड स्कोर्स के बेसिस पर ही निकाली जाती है। इफ इट इज़ टू बी यूज्ड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी विच शोज द स्केटर ऑफ द स्कोर शुड बी टेकन इन टू अकाउंट। तो कहा गया है कि अगर हमें ध्यान रखना है कि जो वेरिएबिलिटी है, अगर हमें वेरिएबिलिटी को मेज़र करना है, जैसे अलग अलग स्कोर होते हैं, स्किटर ऑफ स्कोर्स है, डिफरेंट डिफरेंट स्कोर होते हैं, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखी जाती है जब भी नॉर्म रेफरेंस इवेल्यूएशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, कहा है कि वी कैन एक्सप्रेस अ मार्क इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टैंडिंग इन द ग्रुप। हम किस तरीके से मार्क्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिस तरीके से जो पोजिशन उनके ग्रुप में है
उसके बेसिस पर इट इज़ क्लियरली अंडरस्टूड बट इट हैज़ सर्टेन डिफिकल्टीज. द सेवंथ रैंक इन अ ग्रुप ऑफ टेन्स डज नॉट हैव सेम मीनिंग एज द सेवंथ रैंक इन अ ग्रुप ऑफ हंड्रेड. इफ नंबर ऑफ कैंडिडेट इज नॉट द सेम वी कैन नॉट कंपेयर द मेरिट ऑफ अ स्टूडेंट इन डिफरेंट एग्जामिनेशन इन टर्म्स ऑफ रैंक्स. तो यही चीज़ कही गई है कि अगर सेवंथ रैंक बच्चे की आ रही है 10 स्टूडेंट्स पर और सेवंथ रैंक आ रही है 100 स्टूडेंट्स में, तो इस चीज़ को सेम नहीं समझा जा सकता, क्योंकि हम इस तरीके का कंपैरिजन ही नहीं कर सकते जहां पर जो स्ट्रेंथ है बच्चों की वो हमें बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस देखने को मिले. कि अगर हम 10 में से 7वीं रैंक है, 10 बच्चों पर 7वीं रैंक है और 100 बच्चों पर 7वीं रैंक है, तो इस तरीके से हम जो डिफरेंट एग्जामिनेशन है या फिर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो उसको कंपेयर करके मेरिट ऑफ स्टूडेंट नहीं हो सकती. तो ये चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है. अगला पॉइंट क्या कहा, अगला पॉइंट कह रहे हैं कि स्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रेड्स मे सर्व द पर्पस बट समटाइम्स स्कोर्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्रेड्स सच एज ए बी सी डी एंड ई एक्सेट्रा इज़ नॉट प्रिसाइज बिकॉज ग्रेड्स कैन नॉट बी एडेड और एवरेज्ड. तो ये चीज़ भी है कि ग्रेड्स के हेल्प से भी हम लोग क्या करते हैं, इवेल्यूएशन करते हैं, लेकिन अगर बात करें जब हम स्कोर्स को बच्चों के जैसे एग्ज़ाम होते हैं स्कोर हमने दिए 100 में से जैसे 50 आए, किसी के 60 आए, किसी के 70 आए, तो स्कोर को जब हम ग्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं ए बी सी डी एंड ई, तो वो जो ग्रेड्स होती है ना वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट या प्रिसाइज नहीं मान सकते, क्योंकि ग्रेड्स को हम ऐड नहीं कर सकते या हम उनका एवरेज नहीं निकाल सकते. तो ये चीज़ भी इसके अंदर आ जाती है. लास्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि स्टैंडिंग और अ रैंक मे बी एक्सप्रेस्ड बाय परसेंटाइल नॉर्म्स. तो रैंक को हम परसेंटाइल नॉर्म्स के हेल्प से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इट इज़ मोर प्रिसाइज देन अ ग्रेड रिपोर्ट. ग्रेड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा प्रिसाइज होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है एंड कंपेरेबल इन प्रिसीजन विद अ रैंक रिपोर्ट. और इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली एक्यूरेसी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर जो करता है उसके साथ हम कर सकते हैं. जब आपने देखा होगा जब आपका CCE पैटर्न लागू हुआ और आपकी जो टेंथ की रिपोर्ट कार्ड देखी होगी तो उसमें आप लोगों को ग्रेड भी दिखते हैं, उसमें आपका परसेंटाइल स्कोर भी देखने को मिलता है. जो आपकी CGPA होती है तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलता है, जैसे किसी की 8.0, किसी की 8.2, किसी की 8.8, इस तरीके से. तो ये चीज़ भी है कि परसेंटाइल के बेसिस पर भी हम पता कर सकते हैं और ये थोड़ा हमें ज़्यादा प्रिसाइज वे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट कह रहे हैं कि नॉर्म रेफरेंस अचीवमेंट टेस्ट आर मोर फेमिलियर. द नॉर्म मे बी सेट अप ऑन अ लोकल स्टेट और नेशनल ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द यूज ऑफ द रिजल्ट. तो ये वाले जो अचीवमेंट टेस्ट हैं, नॉर्म रेफरेंस अचीवमेंट टेस्ट, ये ज़्यादा फेमिलियर होते हैं क्योंकि इनके जो नॉर्म होते हैं, जो इनके मानदंड होते हैं, वो कौन डिसाइड करता है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर स्टेट है या फिर जो नेशनल ग्रुप है, जिस भी रिज़ल्ट के ऊपर वो चीज़ डिपेंड करती है कि किस टाइप का एग्जामिनेशन है, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे नॉर्म रखे गए हैं. एज अ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आर प्रिपेयर्ड फॉर द वाइड रेंज ऑफ द पॉपुलेशन सो द टेस्ट आइटम्स आर जनरली रिटेन्ड विच आर एवरेज इन डिफ़िकल्टी वैल्यू. तो यही चीज़ कही गई है कि जो आपके नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है वो एक तरीके से बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, इस वजह से इनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हमें एवरेज देखने को मिलता है. मतलब कि ताकि हर स्टूडेंट जो है वो अटेम्प्ट कर सके, हर एक का आपको कह सकते हो कि ध्यान रख करके जो एग्जामिनेशन है वो सेट किया जाता है या टेस्ट है वो सेट किया जाता है. इट मीन्स डेट द वेरी इजी एंड डिफ़िकल्ट आइटम्स आर रिजेक्टेड. जो ज़्यादा इजी और ज़्यादा डिफिकल्ट आइटम्स हैं उनको रिजेक्ट किया जाता है. देयर आर सेवरल प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन द स्टैंडिंग पोजीशंस ऑफ अ स्टूडेंट. वी कैन नॉट से डेट अ सिंगल मेथड और अप्रोच इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्यूरेट. ऑल अप्रोचेज हैव इट्स ऑन मेरिट्स एंड लिमिटेशन. द मेथड्स आर यूज इन डिफरेंट सिचुएशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द टेस्ट एंड नेचर ऑफ कंपेरिजन. तो यही चीज़ कही गई है कि बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके ज़रिए हम बच्चों की पोजीशन को, रैंक को पता कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं. कोई एक सिंगल मेथड या अप्रोच नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि यही बिल्कुल परफेक्ट है, इसी का हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, इसका बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप है और ये बहुत ज़्यादा सटीक है, एक्यूरेट है. ऐसा नहीं है. हर एक अप्रोच के अपने कुछ मेरिट भी होते हैं, अच्छी चीज़ें भी होते हैं, गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं, लिमिटेशंस भी होती है. मेथड्स जो भी
यूज़ होते हैं सिचुएशन को देख करके, टेस्ट का जो नेचर है उसको देख करके, किस तरीके से हमें कंपेयर करना है उस चीज़ को ध्यान में रख करके डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस या मेथड्स का यूज़ किया जाता है। तो यही हो जाता है आपका नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन ख़त्म। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को कराऊंगी क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन एंड डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बाकी की यूनिट्स फटाफट देखते हुए चले गए। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।